बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जय शाह ने आज चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर 5 सेकंड की भी एक स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन ये हेडलाइंस बनी हुई है। वो तो हम जितने मर्जी पॉजिटिव रह गए, लेकिन अगर आप रियलिटी बेस्ड बात करो तो नजर यही आ रहा है कि इंडिया एंड टाइम के ऊपर आके ऐसी बात करेगा। इंडिया आएगी नहीं आएगी, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? साले स्टेडियम बनाओ, इंटेंस तुम बैटिंग ट्रेनिंग कराओ, ऐसी की टेंशन तुम्हारी यार। गवर्नमेंट की अप्रूवल से पहले ना तो वो कुछ बोल सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं। अब इस पे कोई पाकिस्तान से सुनेगा तो बोलेगा नहीं जी तुम हक में, मैं हक में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट कर रहा हूँ। अगर हम इस मरतबा झुक गए ना तो फिर मैं कहता हूँ इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। क्रिकेट हो नहीं रही है साले, 2% की बांग्लादेश आई भी है उसके ऊपर स्टेडियम में दवा छाई भी नहीं जा सकते, उसके ऊपर से खबर आ रही है कि जय शाह कह रहे घंटे में चले जाओ साले तुम लोग। बांग्लादेश आ रही है तो जब हम इंडिया गए थे 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी ना, तो अब इंडियन गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो जय शाह साहब सिग्नल देंगे। अगर इंडिया नहीं आती तो सबसे ज्यादा नुकसान होस्ट को ही होगा, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं, हमारे स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं, और अगर इंडिया नहीं आएगा तो स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा नहीं आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ही कोशिश में है ना कि बायलैटरल सीरीज हो जाए, उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। इंडिया तो चलो बाकी जो टीम्स के साथ खेल रहा है और उनका बाकी टीम्स का भी फाइनेंशियल फायदा हो जाता है। इन भिखारियों के पास जो लोन ले रखा है ना, भिखारियों ने जो 4-5 मतलब रुपए इनके पास पड़े हैं, 2-4 10 रुपए, वो इनको इनके स्टेडियम पे लगा लेने दो, उसमें सरिया खड़ा करवा लेंगे, 2-4 कुर्सियां लगवा लेंगे, इस तरीके की हरकतें कर लेने दो, आखिरी में जाके मना करेंगे। मुझे लगता है दोस्तों, मुझे लगता है रिजवान कि इंडियन गवर्नमेंट इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेप उठाएगी। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान में जय शाह का एक बयान काफी पॉपुलर हो चुका है, यानी कि जय शाह ने अपने एक बयान से पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में चीखें निकलवा दी हैं। और हुआ यूं कि जय शाह से एक इंडियन जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सवाल पूछ लिया कि भारत की टीम उसमें शामिल होने वाली है या नहीं होने वाली। अब जय शाह ने जो इसमें जवाब दिया है वो पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तानी बहुत सारे ये उम्मीद कर रहे थे कि जय शाह या तो बोल देंगे कि भारत की टीम पाकिस्तान में जरूर खेलने जाएगी, या फिर ये बोल देंगे धीरे से कि भारत की टीम हो सकता है चली जाए, या फिर कोई इनडायरेक्ट पाकिस्तान को आंख मार के मैसेज दे देंगे हम तो आने वाले ही हैं। लेकिन जय शाह ने भैया लंका लगा दी है पाकिस्तानियों की, जब उन्होंने कह दिया प्रोफेशनल तरीके से, जो आपने देखा होगा कि भारत के डिप्लोमेट है जो जयशंकर जी, वो जिस तरीके से आंसर देते हैं वही आंसर जय शाह ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस पर दिया है, और साथ में पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो फोड़ दिया है गवर्नमेंट के ऊपर। ये कह दिया है कि भारत की अगर गवर्नमेंट कहेगी तो हम चले जाएंगे। शाह साहब अभी जिस कुर्सी पे बैठे हुए उसके बाद उन्होंने बनना ICC का प्रेसिडेंट जनवरी या फेब में, इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें ग्रीन सिग्नल देगी ना तो जय शाह साहब देंगे। जय शाह साहब भी इंडियन गवर्नमेंट की अप्रूवल से पहले ना तो वो कुछ बोल सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते जो एक हमारे मुल्क की जो रिलेशन है, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया की गवर्नमेंट हो, वो पहले गवर्नमेंट से आया हम जाएं या ना जाएं। जब हम इंडिया गए थे 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी ना, तो अब इंडियन गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो जय शाह साहब सिग्नल देंगे। पाकिस्तान ही कोशिश में है ना कि बायलैटरल सीरीज हो जाए, उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। इंडिया तो चलो बाकी जो टीम्स के साथ खेल रहा है और उनका बाकी टीम्स का भी फाइनेंशियल फायदा हो जाता है। पाकिस्तान ने मना नहीं किया हुआ इंडिया से नहीं खेलने का, तो जवाब नहीं था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना भेजती, लेकिन अब इंडिया ने एक स्टांस लिया हुआ कि हमने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल तो नहीं खेलनी, वो तो चलो ठीक है उनकी अपनी मर्जी, लेकिन अब ये ICC के इवेंट में भी है तो ICC का इवेंट, लेकिन हमने देखा पास्ट में तो आप समझते हैं कि एशिया कप की हद तक तो बात मानी जा सकती थी उनकी, बट दिस इज ICC टूर्नामेंट। 2031 तक 3 बड़े इवेंट जो है वो इंडिया में होने, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो दोबारा 50 ओवर का कप हो, और एक और बेखाले चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद इंडिया में, तो 3 इवेंट होने। अगर इंडिया पाकिस्तान उनकी गवर्नमेंट नहीं भेजती तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी बोल देगी जी आप ना चाहे हाइब्रिड मॉडल पे खेलें, इसमें नुकसान इंडिया का होगा। मैंने पहले भी अपने YouTube के प्रोग्राम में ये बात बोली है कि इसमें इंडिया का नुकसान होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा। बींग अ बासित अली, बींग एक्स क्रिकेटर, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हमारी तरफ से या इंडिया तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से क्रिकेट का नुकसान हो। क्रिकेट होनी चाहिए, मुझे लगता है दोस्तों, मुझे लगता है रिजवान कि इंडियन गवर्नमेंट इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेप उठाएगी। अच्छी बात है, 1 महीने बाद मीटिंग है ICC की, उसमें साफ पता चल जाएगा कि आया हाइब्रिड मॉड्यूल होगा
या पाकिस्तान। नहीं नहीं ये बात तो आपकी बिल्कुल बजाय है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो पहले चेयरमैन थे के मंसब पे थे वो नजम सेठी साहब ने कोई इंडिया का चैनल कोई यूट्यूब नहीं छोड़ा, हर किसी पे इंटरव्यू जाके जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे। और वो जो आपने बात बोली कि जनाब हम दुश्मन मुल्क में भेज रहे हैं नजम सेठी वो दूसरे जका अशरफ साहब, आप इनको पता ही नहीं है कि किस मनसब पे बैठे हुए हैं और क्या बात करनी है और कब बात करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी यही बात है और बीसीसीआई की तरफ से भी बात है कि जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि सक मीडिया नैरेटिव बनाया जाए या मीडिया फाइट की जाए या क्या कहते हैं ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। बोर्ड, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मीडिया आउटलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूबर जर्नलिस्ट आम आवाम सोशल मीडिया इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। और अली ऑफिशियल जब आप बात करें तो एक ऑफिशियल वर्ड जो कि आईसीसी से हमने कलेक्ट करने की कोशिश की जिस वक्त ये बजट अप्रूव हुआ था, दैट एवरी आईसीसी इवेंट दैट हैपेंस हैज अ कंटिंजेंसी प्लान। और ये कंटिंजेंसी तुमने कंफर्मेशन ली आईसीसी, आईसीसी से कंफर्मेशन और बड़ी सॉलिड सोर्स से ये कंफर्मेशन मैंने हासिल की है कि जब भी कोई इवेंट होता है जैसे कि जब यूएस और वेस्ट इंडीज में पिछला वर्ल्ड टी ट्वेंटी खेला गया अगर उसका बजट भी निकाल के देखें तो उसके अंदर भी कंटिंजेंसी प्लानिंग का एक बजट अलग से था, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, फोर्स मेजोर हो सकता है, जिस तरह बार्बाडोस में वो तूफान आने की अभी बात थी। चलो अभी अगर वो फाइनल से पहले तूफान, अगर आप तवा लेके जाएं बाहर तवे पे तेल डालें, अब 10 मिनट 15 मिनट तक वो बाहर तवे को छोड़ें और उसके ऊपर जाके आप अंडा अगर तोड़ें तो वो अंडा पक जरूर जाएगा, मतलब वो आप अंडा बना लें इतनी गर्मी है। और उसके अंदर चलें टी20 वर्ल्ड कप में आप ये कर सकते हैं कि सिंगल हेडर्स करके आप सारे मैचेस शाम में कर सकते हैं, आप ड्यूल मैचेस कर सकते हैं कि दोनों मैचेस शाम में हो और क्या कहते हैं अपना एक अबू धाबी से स्ट्रीम हो जाए, शारजा से स्ट्रीम हो जाए या एक दुबई में, वाइस वर्सा, दिस कैन हैपन। लेकिन सारी चीजों में वो जो कंटिंजेंसी बजट अप्रूव हुआ वो इधर जाके लगेगा, वो इधर जाके लगेगा। ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश में टी20 वर्ल्ड कप होता वुमन का तो स्टेडियम की कॉस्ट डिफरेंट है। अब यूएई में अगर पाकिस्तान से अगर कोई भी ये कहता है कि नहीं जी बजट जो अप्रूव हुआ है उसमें किसी बात की इंडिकेशन नहीं है तो वो भी गलत कहता है। अगर आप तवा लेके जाए बाहर तवे पे तेल डालें, अब 10 मिनट 15 मिनट तक वो बाहर तवे को छोड़ें और उसके ऊपर जाके आप अंडा अगर तोड़ें तो वो अंडा पक जरूर जाएगा, मतलब वो आप अंडा बना लें इतनी गर्मी है। और उसके अंदर चलें टी20 वर्ल्ड कप में आप ये कर सकते हैं कि सिंगल हेडर्स करके आप सारे मैचेस शाम में कर सकते हैं, आप ड्यूल मैचेस कर सकते हैं कि दोनों मैचेस शाम में हो और क्या कहते हैं अपना एक अबू धाबी से स्ट्रीम हो जाए, शारजा से स्ट्रीम हो जाए या एक दुबई में, वाइस वर्सा, दिस कैन हैपन। लेकिन सारी चीजों में वो जो कंटिंजेंसी बजट अप्रूव हुआ वो इधर जाके लगेगा, वो इधर जाके लगेगा। ऑब्वियसली अगर बांग्लादेश में टी20 वर्ल्ड कप होता वुमन का तो स्टेडियम की कॉस्ट डिफरेंट है। अब यूएई में अगर पाकिस्तान से अगर कोई भी ये कहता है कि नहीं जी बजट जो अप्रूव हुआ है उसमें किसी बात की इंडिकेशन नहीं है तो वो भी गलत कहता है। अगर गवर्नमेंट हमें मना करेगी तो हम रहने देंगे, यानी कि इस समय जो सिचुएशन नजर आ रही है गवर्नमेंट को लेके आपको पता होगा किस तरीके से एक्टिविटीज पाकिस्तान कैरी आउट कर रहा है भारत में, तो आपको क्या लगता है भारत की सरकार कहेगी कि चलो चलो जाके पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आओ और यहाँ से अपने स्पॉन्सर भी लेके जाओ और इनको $2-3 बिलियन तो दे ही दो, क्या लगता है आपको? इतने गधे नहीं है भाई। हाँ, अगर कोई बड़ा ही भंड मारना है या फिर कोई इन्होंने अलग से तोप चलानी है तो उसको लेकर ये कोई इस तरीके का फैसला ले सकते हैं, लेकिन भारत की सरकार जो इस समय मूड में है और जिस तरीके से सरकार को मुझे लगता है कि जनता ने डंडे के आगे किया हुआ है, लगता नहीं कि जो भारत की सरकार है वो पाकिस्तान में भारत की टीम को भेजने वाली है। भारत की ए टीम को छोड़ दो, जेड टीम भी पाकिस्तान में नहीं आने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी ये अच्छे से पता है, जिस तरीके से उन्होंने कैजुअली पहले कह दिया था कि पाकिस्तान में खेलने के लिए भारत की टीम नहीं जाएगी, अब जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है वो इसी बात का संकेत है कि भारत अब प्रोफेशनली प्रिपेयर कर रहा है। मुझे लगता है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट बना के और लिफाफे में पैक करके रख लिया है जो कि जैसा खुद साइन कर देंगे जब ये जनवरी में आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। तो कुल मिला के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है उसमें भारत की टीम नहीं पार्टिसिपेट करने वाली, और जो पाकिस्तान की इस समय ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में $2-3 बिलियन भारत से चले जाएं वो मुझे पूरी होती दिखाई दे नहीं रही इस समय, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है सरकार
सरकार वैसे ही बैकफुट पे आई हुई है। अब ऐसे में सरकार एक और जो मैं कहूंगा भंड है वो मार के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है वो इसको इस ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जैसे जय शाह ने सारे के सारे खिलाड़ी कोचेस समेत बस जहाज में बैठा के इस्लामाबाद के लिए रवाना कर ही दिए हैं। लेकिन सच बात यह है कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ उनकी इंटरप्रिटेशन है। ये वो वही झुनझुना बजाने में लगे हुए हैं जो जय शाह उनको देना चाहते थे। तो कुल मिला के जय शाह ने तैयारी कर ली है, सरकार का उन्हें पता ही है क्योंकि वो भी देश में ही रहते हैं। तो ऐसे में जो आदमी बारबाडोस में भारत का झंडा गाड़ के आया है वो पाकिस्तान में टीम तो नहीं भेजने वाला है जितना मुझे पता है।